Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your science teacher Ms. Farheen and I welcome you all to your science class. My dear students as you know that we are on unit number 5 of your science for remedy pack. The name of our unit is Forms of Energy and Energy Transfer. We are on week number 5. and the SLO under discussion is SLO number two. So according to this SLO, students will be able to recognize that energy is needed to work for moving objects, heating and lighting. So my dear students, बच्चों को energy की importance के बारे में बताने के लिए ये SLO पढ़ाया जा रहा है कि energy required होती है हमेशा चीजों को move करने के लिए और चीजों को और इसी एनर्जी की बिना पर हम बहुत सारे काम जो हैं डेली बेसिस पर परफॉर्म करते हैं सो माय डियर स्टूडेंट्स इस एस एल को गौर से पढ़ें पढ़ने के बाद ढूंढने की साइंसपोर की बुक में कौन लिखा हुआ है कौन से पेज नंबर पे लिखा है बुक का नाम और पेज नंबर आप गिवन ब्लैंक्स में लिखेंगे उसके बाद आपने इसी एस के साथ जो सेकंड क्यू कोड दिया गया है इसको स्कैन करना है स्कैन करने पर जो वीडियो आपको मिलेगी उसको गौर से देखेगा तभी जो है आप अपना होमवर्क कम्प्लीट कर सकेंगे सो माई डियर स्टूडेंट्स कम्प्लीट योर होमवर्क इन टाइम थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़